छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय मिश्रा ने बीते शनिवार को छतरपुर के धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में जाकर बालाजी के दर्शन किए और फिर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बागेश्वर धाम के बाबा छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान वह उनके घर पर आए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कश्मीर में धारा 370 हटाकर उसका विलय मोदी जी ने भारत में किया है, इसलिए जनता इस बार बीजेपी को लोकसभा में 370 सीटें देगी और एनडीए को 400 पार लगाएगी। धन्य हुआ है जीवन मेरा भैया, बागेश्वर धाम में आकर के भगवान के दर्शन किए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज उनके पावन चरण मेरे घर तक आए थे और मैंने उन्हीं दिन उनसे संकल्प किया था कि मैं आके आपके धाम में आपके चरण पखारूंगा, आपके चरणों की सेवा करूंगा। तो आज बड़ा धन्य हूँ मैं, मुझे बड़ी खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज यहाँ आ पाया हूँ, दर्शन कर पाया हूँ, इस बहुत बड़े यज्ञ का हिस्सा बन पाया हूँ। देखिए भैया, कानून अपना काम कर रहा है। पंजाब में भगवत मान जी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, कोई प्रकरण नहीं है। तमिलनाडु में सरकार नहीं है भाजपा, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोई प्रकरण नहीं है। केरल में नहीं किया, कोई प्रकरण नहीं है। भाई जिसके ऊपर प्रकरण है, जिन्होंने भ्रष्टाचारी की है, जिनके ऊपर पूरा स्कैम का आरोप है, ईडी कह रही है कोर्ट में खड़े, उस पर इस तरीके से राजनीति करने की आवश्यकता है? कानून को काम करने देंगे या नहीं करने देंगे? या मुख्यमंत्री कोई है तो उसको छोड़ दिया जाए? कानून का राज होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।